दूरदर्शन 90 के दशक में एक ऐसा चैनल जिसको देखकर हमारा बचपन गुजरा और इसी चैनल ने हमको बढ़िया बढ़िया सीरियल देखने को दिए जैसे अलिफ लैला, शक्तिमान, श्री कृष्ण और रामायण। अगर आज भी आप ये सीरियल देखोगे तो आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। तब के जमाने में दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल था जिसको देखकर ही हम खुश हो जाते थे, पर आज के जमाने में देख लो इतने सारे चैनल आ गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा देखें और कौन सा ना देखें। खैर छोड़ो इन बातों को, आज की बात करते हैं कि इसी दूरदर्शन यानी डीडी नेशनल पर एक टीवी शो शुरू हुआ है जिसका नाम है स्वराज। मैं चाहूंगा कि आपको ये शो जरूर देखना चाहिए क्योंकि जो आजकल की मूवी या वेब सीरीज बनती है उनसे तो कहीं बेहतर ही लगेगा आपको। स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा है। जो नायक हमसे गुमनाम हो गए, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में 450 वर्षों में भारत में बलिदान और लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने अनकहे बलिदानों के बावजूद आज तक ये अनसुनी और अज्ञात बनी रही। जो स्वराज शो है वो 500 वर्षों के इतिहास का पुनः पाठ है। जब मैंने ये शो देखा तो मुझे ये शो बहुत पसंद आया क्योंकि यार मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं इस देश का वासी हूँ जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और योद्धा पैदा हुए। और आप बताइए ऐसा कौन नहीं है जिसको अपने देश पर गर्व नहीं है। अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हमारे देशभक्तों के नाम तो एक लाइक जरूर बनता है। और हाँ, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि भारत हमको जान से प्यारा है। और जो ये वीडियो है ये सिर्फ उन देशवासियों के लिए है जो भारत के लिए जान न्यौछावर करते हैं। स्वराज कोई शो नहीं है, इसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि देश के कोने कोने से भारत माँ के सपूतों ने, अक्षत वीरों ने प्राणों की आहुति दी। और हाँ, जो ये शो है ये भारत को लूटने वालों को भी सामने लाएगा। ये शो डीडी नेशनल पर 14 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया है। ये उपनिवेशक शक्तियों के सामने तनकर खड़े होने वालों की गौरव गाथा है और उनके संघर्ष के अनकहे पहलुओं को बहुत ही बारीकी से संजोया गया है। ये शो डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा और ये शो 18 मंथ तक चलने वाला है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको IMDb ने रेटिंग दी है 9.9/10 की और मैं इसको दूंगा 5/5। मैं आपको हायर रेकमेंड करता हूं कि ये आप शो एक बार जरूर देखें क्योंकि हमको ऐसे शो या ऐसी मूवी जरूर देखनी चाहिए जो हमारे इतिहास को सामने लाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे वीरों के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइबर जरूर बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।